हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 5 महत्वपूर्ण औजारों के बारे में। तो दोस्तों, जानने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसका नाम है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। दोस्तों, इसके भागों के नाम है फ्लैट ग्रिप, पाइप ग्रिप, ज्वाइन कटर, साइड कटर, मूविंग जॉ, हैंडल, इंसुलेशन। दोस्तों, इसका इंसुलेशन जो है वो पीवीसी का बना होता है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और इसका जॉ यानी जबड़ा ये बना है कार्बन स्टील का। दोस्तों, प्लायर की जो पूरी लंबाई है हैंडल से जाव यानी जबड़ा तक ली जाती है। इसका कार्य पतले चादर को पकड़ना, वायर को काटना, वायर को ऐंठना और बेलनाकार पाइप या छड़ को पकड़ना होता है। और दोस्तों, इसका नाम है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, इसे हिंदी में पेचकस कहते हैं। दोस्तों, इसके भागों के नाम है हैंडल, फेरुल, शैंक, बिट या टिप। दोस्तों, इसकी लंबाई शैंक से बिट या टिप तक ली जाती है। और दोस्तों, इसका इंसुलेशन जो बना है वो है पीवीसी का यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और इसका हैंडल बैकेलाइट का बना होता है। इसका कार्य छोटे या बड़े आकार के स्क्रू को कसना या खोलना होता है। और दोस्तों, इसका नाम है नियॉन फेज टेस्टर। दोस्तों, इसके भागों के नाम है अर्थिंग पॉइंट, क्लिप, स्प्रिंग, नियॉन लैंप, रेजिस्टेंस, इंसुलेशन स्टीम, बिट या टिप। दोस्तों, इसे नियॉन फेज टेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नियॉन लैंप होता है और नियॉन लैंप में नियॉन गैस भरी जाती है। यह 500 वोल्ट तक कार्य करता है। इसका कार्य फेज की उपस्थिति को दर्शाना होता है। और दोस्तों, इसका नाम है इलेक्ट्रीशियन टेस्ट लैंप। इसके भागों के नाम है लैंप, होल्डर, वायर। दोस्तों, इसका कार्य है विद्युत चालित उपकरणों की जांच करना। और दोस्तों, इसका नाम है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। दोस्तों, इसके भागों के नाम है मेन ब्लेड, स्क्रेपर ब्लेड और हैंडल। दोस्तों, इसमें दो ब्लेड होते हैं, पहला है मेन ब्लेड, दूसरा है स्क्रेपर ब्लेड। दोस्तों, मेन ब्लेड का कार्य है वायर पर लगे इंसुलेशन को हटाना, और दूसरा यानी स्क्रेपर ब्लेड, उसका कार्य है वायर पर लगे इनेमल को हटाना।